सत्ता और राज्य की सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव 2019 में हरियाणा के 3 पूर्व सीएम के किले भेदना सबसे बड़ी चुनौती होगी। मनोहर कैबिनेट के मंत्री मनीष ग्रोवर कह तो रहे हैं कि बीजेपी इस बार उन लोकसभा सीटों में भी जीत कर दिखाएगी जो इससे पहले बीजेपी की पहुंच से बाहर कही जाती थी। लेकिन सिलसिलेवार देखिए कैसे बीजेपी के विरोधियों के ये 3 गढ़ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से लेकर हरियाणा बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकते हैं। रोहतक लोकसभा सीट। लंबे समय से रोहतक लोकसभा सीट हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है और इस सीट पर उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूदा सांसद भी हैं। यहां चुनौती देने के लिए पिछले लोकसभा चुनाव में ओम प्रकाश धनकर बीजेपी की तरफ से आए थे और इस बार भी इस गढ़ को जीतना बीजेपी के किसी भी कद्दावर नेता के लिए कतई आसान नहीं होगा। हिसार लोकसभा सीट। कभी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल का गढ़ कहा जाने वाली लोकसभा सीट बीजेपी के लिए दोहरी चुनौती लेकर आई है। स्वर्गवासी चौधरी भजन लाल की विरासत को संभालते हुए इस सीट पर कुलदीप बिश्नोई का दावा कांग्रेस की तरफ से है तो जिंद उपचुनाव में दूसरे नंबर पर रही हरियाणा में बनी नई पार्टी जन नायक जनता पार्टी भी इस सीट पर मजबूत है। दुष्यंत चौटाला इस सीट पर मौजूदा सांसद है और दिग्विजय चौटाला हिसार के तहत आने वाली जिंद विधानसभा में अपनी ताकत दिखा चुके हैं। ताऊ देवी लाल की विरासत को लेकर भले ही इनेलो और जन नायक जनता पार्टी में लड़ाई चल रही हो लेकिन अजय चौटाला परिवार की पकड़ कम से कम इस लोकसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बड़ी चुनौती होगी। सिरसा लोकसभा सीट। इस रिजर्व सीट पर मौजूदा सांसद इंडियन नेशनल लोकदल के चरणजीत रोड़ी हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का गृह जिला होने के चलते भी सिरसा इंडियन नेशनल लोकदल का गढ़ कहा जाता है। ऐसे में जननायक पार्टी से अलग होने के बावजूद इनेलो इस सीट को सबसे ज्यादा नाक की लड़ाई बनाकर चलेगी। ऐसे में जननायक जनता पार्टी से अलग होने के बावजूद भी इनेलो इस सीट को सबसे ज्यादा नाक की लड़ाई बनाकर लड़ेगी। वही 2009 लोकसभा चुनाव में इस सीट पर सांसद बने अशोक तंवर हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है। जाहिर है अशोक तंवर कांग्रेस के लिए इस गढ़ में फिर एक बार बीजेपी सहित और विरोधी उम्मीदवार के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। साफ है पिछले लोकसभा चुनावों में 10 से 7 सीटों पर भले ही बीजेपी जीती थी लेकिन 3 सीटों पर बीजेपी परंपरागत तौर पर जीत हासिल नहीं कर पाई है और ऐसे में 2019 लोकसभा चुनावों में भी 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के हिसार रोहतक और सिरसा के मजबूत गढ़ को तोड़ पाना बीजेपी के लिए सबसे टेढ़ी खीर साबित होगी। विनोद लांबा, टोटल न्यूज़।